आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पत्नी ऐश्वर्या और ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और तलाक के मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपए की मांग कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव के मुताबिक उनके माता पिता को गालियां दी जा रही हैं और उनके सार्वजनिक छवि को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ससुराल वाले उनके परिवार को नष्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही माता पिता भाई और बहनों को निशाना बना रहे हैं। तेज प्रताप ने ससुराल वालों के खिलाफ कई वीडियो और ऑडियो सबूत होने का दावा भी किया है। उनका कहना है कि वीडियो और ऑडियो सबूत उनकी पत्नी से संबंधित है, इसलिए वो इसे जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पत्नी ऐश्वर्या की छवि खराब नहीं करना चाहते हैं। चूंकि ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसलिए वो सार्वजनिक डोमेन में डालने से बच रहे हैं। उन्होंने मीडिया से भी अनुरोध किया है कि वो उनके खिलाफ गलत खबरें ना फैलाएं। मीडिया पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संगठन उनकी सार्वजनिक छवि खराब करने के लिए विपक्षी दलों के साथ मिलकर खबरें फैला रहे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप की शादी 2018 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय के साथ हुई थी, लेकिन उनकी शादी 6 महीने भी नहीं टिक पाई। अपनी सास राबड़ी देवी के घर रुकी ऐश्वर्या ने बाद में आरोप लगाया कि परिवार ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया। इसके बाद ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे। अब उनके तलाक को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है।